लेकिन सारी बातों के अलावा जीतेंगे तो देखिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना, उनकी भूल है बिल्कुल, जो कि आज तक मुस्लिम समुदाय में ढूका ही नहीं है। बताइए काम किया, यही सरकार चाहिए, यही एमपी हमको चाहिए, फिर जीत रहे हैं एकदम। हम लोग जिताएंगे सिरवाल जी को, जिताएंगे इसी बार इस बार भी जिताएंगे सिरवाल जी को, बहुत अच्छे आदमी है। लोग कह रहे हैं कन्हैया कुमार आए तो टक्कर, उनको तो हम जानते भी नहीं है कन्हैया जी को, हम तो ऐसे मोबाइल पर देखते हैं। अच्छा। इनको तो रूबरू देखते हैं, जाते भी घर हैं चला। महाराजगंज लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल दो बार सांसद रह चुका है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए उनको मैदान में मोदी सरकार ने उतारा है और मोदी जी ने कहा है कि इस बार जाइए फिर से झंडा गाड़िए। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार सेट नहीं किया है, चुनाव एकदम सामने आ चुका है। तमाम यहाँ पर लोग बैठ के चुनावी चर्चा कर रहे थे, हमें लगा कि लोगों से बात करना चाहिए। कितना विकास हुआ महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में, दो बार के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से लोग कितना खुश हैं और लोग इस बार किसको वोट करने वाले हैं, तमाम लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रोहित जली। अच्छा एक बात बताइए, महाराजगंज लोकसभा में कितना विकास हुआ है? 10 साल से सांसद हैं सिग्रीवाल साहब, फिर तीसरी बार चुनाव उनको लड़ने का मौका मिला है, क्या इस बार किसको वोट करते हैं? अभी तक विकास तो हुआ नहीं था, 4-5 साल में हमको नजर में नहीं आ रहा कि विकास हुआ है। क्या कुछ काम हुआ है? कुछ तो काम हुआ होगा ना, एक दो काम हुआ है, हमारे नजर में तो कुछ काम नहीं चल रहा है। सांसद से खुश नहीं है? सांसद के कामों से खुश नहीं है? नहीं, कामों से खुश नहीं है। तो फिर किसको वोट जाएगा आपका इस बार? अभी तो कन्फर्म नहीं हुआ कि किसको यार, कांग्रेस के खाते में है महाराजगंज से, मतलब कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वोट उसी को आप करने का उम्मीद सोच रहे हैं? किसको मिला टिकट मिलेगा उसके हिसाब से तय करिएगा, उसके हिसाब से तय करेगा। कन्हैया कुमार का नाम सामने आ रहा है, उनको मिलता है तो उनका सपोर्ट करेंगे, अगर कन्हैया कुमार को अगर टिकट मिलता है तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। कन्हैया कुमार में क्या ऐसा खास है कि आप उसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे? उम्मीद है कि हमको वो विकास करेंगे, उम्मीद है, उम्मीद है हमको। पिछले सांसद जो हैं उनसे उम्मीद नहीं था और नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। नया चेहरा खोज रहे हमारे आदमी जी, नया चेहरा। शाहिद रजा जी हैं मुखिया प्रत्याशी थे पिछले चुनाव में और बता दें कि लगातार सामाजिक काम करते रहे हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है महाराजगंज लोकसभा सीट जो है बहुत फिट माना जा रहा है, इस बार हॉट सीट है, क्या लगता है आपको बीजेपी के जो सिग्रीवाल साहब हैं कितना विकास हुआ है पिछले 10 साल, क्योंकि 10 साल से सांसद महाराजगंज सीट हॉट सीट हो चुका है। यहाँ देखिए कुछ चर्चा चल रही थी कि जैसे कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाया जाए, अगर कन्हैया कुमार प्रत्याशी होते हैं तब तो जहां तक मुझे अनुमान है कि कुछ फाइट हो सकती है। अगर कन्हैया कुमार प्रत्याशी नहीं होते हैं तो श्री सिग्रीवाल जी हैट्रिक लगाएंगे, हैट्रिक लगाएंगे इस बार, बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल निश्चित लगाएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नाराज हैं सिग्रीवाल साहब से, कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं कर पाए, उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर पाए, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हैट्रिक लगा देंगे, क्या सोच क्या बोल रहे हैं? देखिए हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है देश सर्वोपरि, तो ये सिग्रीवाल जी के नाम के लोग वोटिंग बहुत कम करते हैं, लेकिन माननीय देश के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये बहुत उनके सहानुभूति में उनके नाम पे जाता है, इसलिए हम मतलब खुले दिल से कह रहे हैं कि सिग्रीवाल जी ही है टिक लगाएंगे, कोई ऑप्शन है नहीं, निश्चित तौर पर सिग्रीवाल जी है टिक लगाएंगे। अच्छा अगर कन्हैया कुमार आते हैं, कन्हैया कुमार से बहुत सारे लोगों को जैसे ही नाम उनका आया बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो गए कि कन्हैया कुमार अच्छा फाइट देंगे, आपने भी कहा तमाम लोग, कन्हैया कुमार में ऐसा क्या खास है कि महाराजगंज में उनको लोग सपोर्ट कर देंगे आप लोग? हाँ ये अच्छी सवाल है, देखिए कन्हैया कुमार एक एजुकेटेड पर्सन युवा है, उसके अंदर एनर्जी है, वो चाहे जिस भी क्षेत्र में जाए अपनी एजुकेशन के बल पे वो हमेशा चाहेंगे कि हाँ हम जिस क्षेत्र में हैं वहाँ के लोग खुशहाल रहें, वहाँ का क्षेत्र डेवलप हो, इस हिसाब से देखा जा रहा है कि अगर यहाँ से कन्हैया कुमार होते हैं तो फाइट जोरदार हो सकती है, अदर कोई भी कैंडिडेट होते हैं तो मेरा मानना है कि आप पिछले बार सिग्रीवाल जी अगर कम वोट से जीते होंगे लेकिन इस बार हमको जहाँ तक लग रहा है कि 3 लाख वोट से लीड करेंगे। देखिए बहुत बड़ा खुलासा है क्योंकि नेता जी हैं और इनका अनुमान फेल नहीं हो सकता है मुझे उम्मीद है। तो कांग्रेस वाले लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो देखिएगा कन्हैया कुमार को अगर टिकट मिलता है तो शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है, और भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा क्या कहिएगा, तीसरी बार मौका मिला है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को, क्या लगता है इस बार? बात यहाँ कहना है सिग्रीवाल जी तो टोटल
देहात में कुछ काम किए ही हैं, लेकिन एक बात कहेंगे, आज तक मुस्लिम समुदाय में कोई काम आज तक न किए, अगर मुस्लिम समुदाय में गए है कि उनमें एक कमी यही है। और प्रत्याशी अभी जहाँ तक बात है, तो कोई प्रत्याशी नहीं है तो प्रधानमंत्री के द्वारा चाहे वो जो बाजी मार दे या जो कर, लेकिन मुस्लिम समुदाय में आज तक वो इन्हें नहीं किया है। अन मुस्लिम समुदाय में कोई काम किए हैं, अब तो मजबूरी में मुस्लिम चाहे जिस साइड में जाए अपना विचार करके वो जाएंगे, अपना विचार करके जाएंगे, कोई रास्ता ना है तो सिग्रीवाल जी बेचारे लास्ट ऑप्शन में, हाँ लास्ट ऑप्शन वही होगा, लेकिन सिग्रीवाल जी को ऐसा नहीं करना, नहीं करना चाहिए, नहीं करना, उनकी भूल है बिल्कुल, जो कि आज तक मुस्लिम समुदाय में ढूका ही नहीं है, काम किया, लेकिन मजबूरी में भैया तो वही होगा। देखिए अगर कन्हैया वाली बात आती है तो वो तो जेन्युइन टॉप एंड मस्ट लीडर है, उसके सामने तो ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है संसद, कुछ नहीं है संसद, मतलब कन्हैया को मारते हैं टक्कर, जब टक्कर वही मार सकता है, बाजी वो मार देगा, लेकिन कन्हैया के सामने तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है संसद, कुछ नहीं है संसद, कुछ देखिए चाचा का दर्द है जो कि बयां कर रहे हैं चाचा, और कहीं ना कहीं लोगों की बातें सांसद साहब को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, क्योंकि यह दर्द है और दर्द इसलिए निकल रहा है क्योंकि आज तक आरोप है इन लोगों का कि मुस्लिम समुदाय के लिए सांसद साहब ने कुछ नहीं किया, कुछ किया तो नहीं किया वो अलग की बात है, यहाँ तक कि आए भी नहीं है यहाँ, इन लोगों का इतना बड़ा आरोप है सांसद साहब तक और यह वीडियो जा रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था और इस पर विचार करेंगे वे। बाकी चाचा आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज कादरी है। अच्छा एक बात बताइए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आप लोग कह रहे हैं कि सांसद साहब इस एरिया में नहीं आ गया, जबकि दो बार सांसद रह चुका है, तीसरी बार मौका मिला, अब जो कहा आपसे अभी बोला कि अभी हमारे संसद साहब नहीं आते हैं, संसद साहब का तो दौर हमेशा रहता है, मेरा तो नाम पड़ोसी लोग, मेरा पड़ोसी से क्या लेना देना हमको है, कहने दीजिए, हमको कहना है कि हम इसी पार्टी का आदमी, अच्छा हम भी प्रखंड अध्यक्ष हैं जनता दल, अच्छा भाजपा से हम हैं मुस्लिम समाधान से थी। अच्छा एक बात बताइए, आप नेताजी हैं बीजेपी चाहे जदयू के हैं, लोग तो कह रहे हैं कि एक बार भी नहीं आए हैं, नहीं नहीं आए हैं, कब आए हैं, याद नहीं है, अभी लगभग 15 दिन पहले की बात है कि उनका दौर हुआ है, जनता बाजार गए थे, रास्ते से गए तो बिहारी मोड़ पर ही रुके थे। अच्छा एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में क्या काम करवा, अब तो काम तो देखना नहीं पड़ेगा, काम तो करवे किए हैं, हमारा भी काम किया है, बहुत लोगों का काम किया है, तमाम लोगों का काम क्या हुआ, का काम भी तो होवे करते हैं, जब नहीं गिनवाना तो पड़ेगा, कहने का मतलब है कि एमपी साहब हैं तो काम तो सबको है, काम तो सबको देखना है, क्या किया वही तो हम पूछ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं, अब हम काम कर रहे हैं, किए काम, क्या काम हमारे पास थोड़े है, काम तो दिख रहा होगा ना आपसे आपके, हाँ एकदम काम किया है, बताइए तो जनता का भलाई तो करवे किए हैं, अरे बहुत सा काम है जो जनता का किए हैं, दो मरतबा जीते हुए हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सिग्रीवाल जी का जवाब है, बहुत अच्छे आदमी हैं, तारीफ जितना भी किया जाए सिग्रीवाल जी का, हमारे पार्टी का आदमी है, बहुत अच्छे हैं, हमसे अगर पूछा जाए तो बहुत अच्छे आदमी है, वो तो काम करते हैं, ये घाट का तो टोटल काम ही किए हैं, कोई ऐसा जगह घाट नहीं है कि नहीं छोड़े, लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं समझिए इस बात को, मुस्लिम समुदाय में देखिए जहाँ उनका मान डिफरेंस है वहाँ आइए, मुस्लिम समुदाय में आज तक कहीं इन करके किसी से बात विचार नहीं होता कि हाँ इन लोगों को क्या तकलीफ है, क्या दुख है, हमको यही कहना वो काम रात पर हम तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आप यहाँ पे आपके भाई दोस्त जो भी हैं वो मुस्लिम समुदाय के हैं, ये कह रहे हैं कि काम हुआ है, रोड रोड तो बना है एकदम चकाचक रोड है, तो रोड पे तो आप लोग चलते ही होंगे ना, सब कुछ रोड पे यार, तो रोड पे कौन नहीं चलता है, रोड किसी का भी ठीक है, राशन वासन मिल ही रहा है फ्री में, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है ना, हमको तो आज तक राशन ही नहीं मिला, सब मिल रहा है, आज तक राशन एक भी नहीं था, काबिल नहीं हुए इसलिए नहीं मिला, नहीं काबिल काम ऐसा नहीं हो सकता है, जिस सरकार में हम हैं उस सरकार से काफी हमको बेनिफिट है, बिल्कुल यही सरकार चाहिए, यही एमपी हमको चाहिए, खेल जीत रहे हैं एकदम, हम लोग जिताएंगे सिरवाल जी को, जिताएंगे इसी बार, इस बार भी जिताएंगे सिरवाल जी को,
बहुत अच्छे आदमी है। वो कह रहे कन्हैया कुमार आए तो टक्कर, उनको तो हम जानते भी नहीं है कन्हैया जी को, हम तो ऐसे मोबाइल पर देखते हैं। अच्छा। इनको तो रूबरू देखते हैं, जाते भी घर है जलालपुर, यहाँ रोड में भी जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ जाते हैं उनसे। कन्हैया कुमार को नहीं जानते हम, उनको क्या जानते हैं, कहाँ के हैं, बेगूसराय के हैं, हमको मालूम नहीं है कहाँ का है। देखिए तमाम लोग हैं, बहुत अलग अलग विचार है लोगों का। जी जी। कुछ लोग सिग्रीवाल साहब को बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। हालांकि आप सब इस वीडियो को जहाँ से देख रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ पर तमाम मुस्लिम भाई लोग हमारे रहते हैं, और इन लोगों का आरोप बहुत गहरा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ नहीं किया है। अगर सांसद साहब ने कुछ किया है और तमाम लोग, अगर आपको पता है कि कुछ काम उन्होंने किया है इन लोगों के लिए, और कुछ लोग हो सकता है कि देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इधर कुछ लोग हैं, युवा है, जो लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक बात बताइए, सिग्रीवाल साहब को तीसरी बार मौका मिला बीजेपी से, उनका काम जितना हुआ है 10 सालों में, क्या उस काम से आप खुश हैं? जो भी हुआ है वो तो आप पब्लिक ही बताएगा, आप भी तो पब्लिक ही हैं। हम भी पब्लिक हैं, लेकिन हम नहीं रहते हैं यहाँ पर, हमको मालूम है। यहाँ नहीं रहते, वोट कीजिएगा कि नहीं इस बार? रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर देंगे। दीजिएगा, अगर रहे तो किसको देंगे? सिग्रीवाल साहब एक तरफ है, एक तरफ कन्हैया कुमार का नाम आ रहा है, नहीं तो फिर कोई कांग्रेस का आएगा, तो क्या कांग्रेस को या बीजेपी? हमारे से बड़े बड़े लोग हैं, जिस डिसाइड करेंगे उस तरह हम भी करेंगे। जिस तरह डिसाइड होगा पूरा इलाका, उस तरह आप भी जाइएगा। चलिए इधर आइए, एक और भाई साहब हैं, युवा हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? सदाम जी, क्या लगता है इस बार तीसरी बार मौका मिला है सिग्रीवाल साहब को, इतना खुश हम के सामने? बहुत खुश है, बीजेपी टॉप मार रहा है, आगे निकल रहा है फिर से। क्या कन्हैया कुमार का नाम आ रहा है कांग्रेस से, वो अगर आते हैं तो नाम आने के लिए दौड़ने का नाम आता है, लेकिन मारेगा बीजेपी फिर से। बीजेपी है। देखिए हैट्रिक लगाने की बात है, और साहिद जी है यहाँ पर। साहिद जी, तमाम लोगों की अलग अलग राय है यहाँ पर, क्या लगता है आपको इस बार? देखिए डॉक्टर साहब बताए थे कि माननीय हमारे सांसद सिग्रीवाल जी मुस्लिम बहुल मूल इलाके में नहीं आते, जहाँ तक मुझे भी इसका खेद है कि सांसद जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि अगर कुछ लोगों के माइंड में ये बात आता है तो उनको ये विचार करना चाहिए कि इस बात को भी हम पॉजिटिव लाएं, इस समाज के लोगों से मिले। लेकिन सारी बातों के अलावा जीतेंगे तो सिग्रीवाल। देखिए नाराजगी है तो नाराजगी हो सकता है, सांसद साहब हमारा वीडियो देखते हैं, उनका इंटरव्यू मैंने किया हुआ है तो देखेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि लोगों से आकर के मिलेंगे, जो गीला सिकवा है दूर करेंगे। हालांकि लोग वोट किसे करते हैं वो देखने का विषय होगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा तब भी बने रहिएगा हमारे साथ, सारी चीज़ों को दिखाएंगे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से मैं भाई कुमार, जय हिंद।